सो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं जा रहा हूं अभी दूध सागर फॉल और सुबह के हो रहे हैं 6 बज रहे हैं, अभी सुबह का 6 बज रहा है और हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठे हैं आज जल्दी। तो हमें पिक करना है ये हमारी ट्रेवल वैन, इससे हम लोग जाने वाले हैं दूध सागर और फिर मैं मिलता हूं आपको सीधा दूध सागर पे। सुबह सुबह का वक्त गोवा में बहुत ही खूबसूरत है। आज पहली बार गोवा में हम लोग उठे हैं सुबह 6 बजे, क्योंकि हम लोग को जाना था दूध सागर फॉल, तो हम लोगों ने बुक कराई है ट्रैवल। अब सीधा हम लोग पहुँचेंगे दूध सागर फॉल, तो मैं आपको वहाँ मिलता हूँ। तो हम लोगों ने जो बुकिंग की थी उसमें हम लोगों को सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया गया यहाँ तक आने के लिए, तो हम लोग सिर्फ 15 मिनट के लिए आए और ओल्ड चर्च को पूरा हम लोगों ने देखा। पर अभी ये इसकी टाइमिंग जो है 9 बजे से है, 9 बजे के बाद ही इसमें एंट्री अलाउड है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो ये मेरे पीछे है ओल्ड चर्च और ये है वाइट चर्च। तो बस हमारी एंट्री सिर्फ 9 बजे तक की थी, उसके बाद ही हम लोग अंदर आ सकते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने बाहर से ही फोटोग्राफी कर ली अपनी जितनी करनी थी, अभी देखते हैं आगे और क्या हम लोग देखने को मिलता है। हम लोग अभी इस वक्त आ गए हैं दूध सागर, तो ये वहाँ का मार्केट है। और अगर आप बस में ट्रैवल करके आ रहे हैं और आपको लगी है पी, तो आपको जाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि यहाँ पे सारे टॉयलेट ऑक्यूपाइड होते हैं ऑलरेडी और टॉयलेट पेड है। यहाँ पे 10 रुपये का टॉयलेट, मतलब आप यूज़ करेंगे 10 रुपये पी करने के लिए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए और ये है मेरी जीप, और संदीप भाई को कर दिया है दूसरी वाली जीप में और मुझे कर दिया है इसमें, क्योंकि सब कपल हैं और हम दोनों सिंगल आए हैं, तो इसलिए मुझे इस वाली जीप में जाना पड़ेगा और वो जाएंगे उस वाली जीप में, पर अंदर जाके हम दोनों मिल लेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं अलग अलग। सागर फॉल में, वाटरफॉल में, और हमको टाइमिंग मिली है 10 मिनट। और हम लोगों को टाइमिंग मिली है अभी 12 बजे तक के रिटर्न आना है हम लोग को जीप के पास, वरना 300 रुपीज़ का चार्ज है अगर लेट होता है कोई भी हम लोग का एक भी मेंबर। तो हम लोग अलग अलग जीप में शिफ्ट होके आए थे, तो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं।
ब्यूटीफुल सा दूध सागर वाटरफॉल जस्ट मेरे ऊपर। यहाँ तो हम लोग ट्रैकिंग करके आए हैं वहाँ से चल के, और हमको मिली है लाइफ जैकेट क्योंकि हम लोग शायद से पानी में जा रहा हो नहाने के लिए। तो ये है मेरे पीछे जस्ट वाटरफॉल। तो यहीं पर हुई थी चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग, जहाँ शाहरुख खान की एंट्री होती है ट्रेन से जब वो आता है, तो यहीं पर उसकी ट्रेन रुकती है। तो ऊपर वो है रेलवे ट्रैक जस्ट मेरे ऊपर। ये भाई सब क्रीम क्रीम खा गए और बिस्किट को अलग कर दिया, ये देख रहे हैं, ये बिस्किट इसने अलग कर दिया और क्रीम इसकी गायब कर दी। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया और नहा लिया है वाटरफॉल दूध सागर में, और अभी हम जा रहे हैं वापस रिटर्न अपनी जीप की तरफ, जो कि हमारी जीप खड़ी हुई है उस साइड। तो उसने हमें टाइमिंग दी थी कि 12 बजे तक वापस आ जाना, वरना 300 रुपीस का चार्ज लगेगा। तो अभी हम लोग का हो गया है ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं, बट हम लोग जल्दी जल्दी पहुँच रहे हैं वहाँ पे। तो मैं जाता हूँ, जस्ट मेरे पीछे है वाटरफॉल क्योंकि हम लोग ने इन्जॉय किया खूब। तो ये ब्रिज पड़ता है वहाँ से क्रॉस करने के लिए, तो मैं इस ब्रिज पर हूँ अभी। तो वहाँ से सीधा वाटरफॉल के लिए जाता है रास्ता। अरे आप आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ खाने के लिए अपने साथ ज़रूर लेके आए, क्योंकि यहाँ अंदर कुछ नहीं मिलने वाला, तो बाहर से अपना सामान लेके चलें और वाटर बॉटल साथ में ज़रूर कैरी कर लें, शायद आपको प्यास लग जाए। सो हमारी जीप खड़ी है बाहर, और फिर वहीं से हम लोगों को लंच के लिए लेके जाना है, क्योंकि मैं तो अपनी जीप के पास आ गया हूँ और बाकी लोग भी आ ही रहे हैं, बट अभी फ्रेश होने गया है तो मेरी जीप ये खड़ी है 410। तो मैं अपनी जीप के पास आ चुका हूँ बराबर से। तो हम लोगों को मिला है ये खाना यहाँ पर, हम लोग ने जो बुकिंग करी थी उसमें हम लोग को ये फूड मिला है। ये जगह है स्पाइस फूड करके, तो यहाँ पे हम लोग को वेलकम ड्रिंक सर्व की जा रही है।
सो दिस इज ऑफ माई वेलकम ड्रिंक, इट्स गुड। तो ये है हम लोग की काजू फेनी जो हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। तो ये 20 ml दी गई है हमको और इसको वन शॉट में लेना है विदाउट स्मेल। तो लेट्स ट्राई।